साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सोक चौधरी। साथियों आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, शायद आपको वीडियो बहुत कम देखने को मिलेंगे इराक से रिलेटेड। जी हां साथियों, बहुत सारे लोग हमारे राजस्थान में बोलचाल भाषा में, चाहे दुबई कतर मस्कत कहीं चले जाओ, लेकिन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि बंदा कहाँ गया है, आपका लड़का कहाँ है, बोला इराक गया है। यानी इराक एक कॉमन शब्द है, दुबई कतर मस्कत बहरीन को भी लोग हमारे यहाँ गल्फ में जितने भी कंट्री है सबको इराक ही बोलते हैं। नॉर्मल जो गाँव के लोग होते हैं वो ये बोलते हैं इराक गया। इराक एक कुवैत के पास में कंट्री, पहले तो इतनी शानदार थी कि मतलब सोच नहीं सकते, सबसे ज्यादा कमाई इराक में होती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो सदाम के टाइम में, आज से 15 साल पहले की लगभग बात है, 10-15 साल हो गए होंगे उस बात को, अमेरिका और उनका युद्ध हुआ था, उस टाइम ये इराक एक तरह से तबाह हो गया। तबाह होने के बाद वहां की इकोनॉमी इतना लो स्तर पे चली गई कि आप सोच नहीं सकते। स्थिति ये थी कि कभी $1 एक इराक जो एक दिनार थी इराक की, इंडिया का लगभग 100-150 रुपए बनता था। आज की हालात ये है कि एक अगर आप इराक की दिनार है आपके पास तो इंडिया का 50-60 पैसे बनेगा। समझ गए बात को, इतनी लो स्तर पे इकोनॉमी हो गई, बिल्कुल जीरो लेवल पे है, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं, मकान इतने यानी तोड़फोड़ वहां पे कुछ बचा ही नहीं है। अब उनका दोबारा से क्या सिस्टम, तो आपको पता ही है कि एक बार बिल्कुल जीरो हो जाता है तो दोबारा उसको उठने में टाइम लगता है साथियों, ठीक है। तो अभी बीच में हमारी सरकार ने बिल्कुल वहां पे बैन लगा दिया था कि इराक आप नहीं जा सकते, आपको इंडियन गवर्नमेंट वीजा अवेलेबल नहीं करवाती थी क्योंकि वहां पे तो अमेरिकी सेना है, आए दिन तोड़फोड़ बम धमाके होते रहते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अपना आदमी वहां जाके फंस जाए, ठीक है। तो अपन इस मैटर पे बात करेंगे। अगर कोई बंदा मान लीजिए वो इराक में फोरमैनी का जॉब करता है, ऐसी बात नहीं है, अभी लोग जा भी रहे हैं जो रिस्क लेते हैं, वही रिस्क है, वहां पे बमबारी होती है, आतंकवादी अभी भी गतिविधियां वहां पे चलती हैं, तो वो अपने रिस्क पे बंदे को जाना होता है। वो अगर जाता है तो उसको फोरमैन जॉब में क्या सैलरी मिलती है, इससे रिलेटेड अपना बात करेंगे। फोरमैन क्या होता है, फोरमैन क्या कैसे होता है साथियों, एक एक्सपीरियंस होल्डर आदमी, कंपनी अपनी तरफ से उसको नियुक्त कर देती है, 50-60-100 बंदे हैं, ये आपकी साइड है, इसको आपको संभालना होता है, पूरे सिस्टम को मैनेज करना होता है, उसी को फोरमैन बोलते हैं। उस फोरमैन को 10-15 साल का अनुभव होता है, ठीक है साथियों, काम वही होता है, बस उनको संभालना, मैनेज करना, उनसे काम करवाना, उनकी देखरेख में, ठीक है साथियों। योग्यता की बात करें तो योग्यता अनुभव इसमें मान्य होता है, एजुकेशन इसमें मान्य नहीं होती, अनुभव आदमी इसमें फोरमैन बन सकता है, एक एमबीबीएड बंदा किया हुआ आदमी फोरमैन नहीं बन सकता क्योंकि उसको अनुभव नहीं है, डिग्री है अनुभव नहीं है, इसलिए वो नहीं बन सकता। एक अनपढ़ आदमी, अनुभवशील आदमी होता है, वो इसमें फोरमैन बन जाता है। सुविधाएं की बात करें तो साथियों सुविधाएं, रहना खाना मेडिकल इंश्योरेंस टिकट वगैरह वो तो मिलता ही है, वो तो हर कंट्रियों में होता है, बाकी इराक में सुविधा थोड़ी अलग मिलती है क्योंकि इराक लोग जाना नहीं चाहते ना, हर आदमी को रिस्की होता है, डर लगता है, जाना नहीं चाहते, इसलिए कंपनी उनको ज्यादा वहां पे सुविधाएं देती है। वो सब अमेरिकी सिस्टम की देखरेख होता है, इराक का वहां पे कोई रोल नहीं है। आपको सैलरी मिलेगी ना तो दिनार में नहीं मिलेगी, डॉलर मिलेगी, अमेरिकी डॉलर सैलरी में वहां का पूरा पेमेंट होता है। तो वहां की कंडीशन ये है साथियों कि अगर आप कारीगर में भी जाते हो ना, जैसे नॉर्मल मेसन, जैसे दुबई कतर में 20-30 हजार रुपए कमाते हैं, तो वहां बंदे 50-60-70 हजार लाख रुपए तक मेसन कारीगरी में कमा लेते हैं, क्योंकि एक तो ओवर टाइम बहुत ज्यादा ओवर टाइम है क्योंकि वहां पे बंदों की कमी होती है, तो वो 2 गुना ज्यादा काम करते हैं, तो लाख लाख रुपए बंदे आराम से कमा लेते हैं, जोखिम होता है उसमें, लेकिन रिस्क लेके वो जाते हैं, ठीक है साथियों। तो इसमें वीजा कैसे लें, तो वीजा साथियों एक्सपीरियंस के आधार पे, हालांकि इराक की यहाँ पे हमारे तो कोई वैकेंसी नहीं आती है, कई बंदे जाते हैं ऐसा सुनने में आता है, लेकिन यहाँ हमारी वैकेंसी अभी बंद है, लगभग 7-8 साल से कोई जॉब नहीं आता। सैलरी की बात करें तो साथियों इराक में दिनार चलती है, एक इराक की दिनार इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 0.60 पैसा बनता है। आप देख लो ये हालात हैं, जो 100-150 रुपए कोई टाइम बनते थे, अभी पैसे में आ गए, 1 रुपया भी इंडिया का नहीं बनता, यानी सबसे डाउन करेंसी अपन बोल सकते हैं इराक की। वहां पे जो सैलरी मिलती है वो यूएसडी डॉलर में मिलती है, अमेरिका डॉलर में, तो फोरमैन आदमी को कम से कम 700-800 डॉलर आराम से, यानी लाख रुपए बंदा आराम से फोरमैनी में कमा सकता है। ये आपका सिस्टम, मैंने इसमें ये मैं बता दूं साथियों कि ये मैंने मेरे विवेक के आधार पे ये वीडियो बनाया है, इसमें अगर कोई गया है तो उसको ज्यादा नॉलेज है, बाकी इस वीडियो पे इतना ध्यान नहीं दे, ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने, साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जैसे मैं नई अपडेट डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, सही जानकारी सही मोटिवेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।